सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, ठीक है, तो उसका आप जो है मार्कशीट कैसे बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो है हमारे इंस्टीट्यूट का नेम है, यहाँ पे एड्रेस है, देन यहाँ पे जो है यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, देन यहाँ पे उसके फादर का नेम है, यहाँ पे क्लास है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सब्जेक्ट लिए हुए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैथ, इंग्लिश, SST, हिंदी, साइंस, ठीक है, सभी का यहाँ पे जो हम लोग क्या किए हैं, एक मार्क्स यहाँ पे सेट किए हुए हैं। और यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स 500 का पेपर है, ठीक है। और इधर नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्टेन मार्क, ठीक है, हम लोग यहाँ पे ऑप्टेन मार्क जो यहाँ पे निकाले हुए हैं, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, ग्रेड कैसे निकालना है, रिजल्ट कैसे देखना है, ठीक है, यहाँ पे रैंक कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना अगर आप सही में कुछ यहाँ पे सीखने आए हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राज सूर्या आप सभी का स्वागत करता हूँ सिखामाइज एकेडमी में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे फर्स्ट वाले जो रो है यहाँ पे, यह जो इसमें हम हेडिंग के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़े हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस के लिए छोड़े हुए हैं, देन यहाँ पे एक स्पेस के लिए यहाँ पे रो छोड़े हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा डेटा है फाइनली यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा सीरियल नंबर है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट नेम आ जाएगा, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर से यहाँ पे आप इसको कॉलम को जो है यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास है, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम है मैथ, इंग्लिश, SST, हिंदी, साइंस, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है। उसके बाद इस साइड में थोड़ा हम करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा जूम आउट कर देते ताकि आपको क्लियर यहाँ पे दिखे सही से, ओके। अब देखो यहाँ पे जो है साइंस के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गया है, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स आ गया है। देन इधर आते हैं, इधर आने के बाद इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज, देन यहाँ पे एवरेज, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड के बाद यहाँ पे रिजल्ट एंड यहाँ पे रैंक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग किस तरह से यहाँ पे डेटा बना रहे हैं, ठीक है, और स्टूडेंट का मार्कशीट बनाना देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा डेटा तो लिखा गया है, अब ये क्या करते हैं इसका हेडिंग हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस टैब से जहाँ तक आपका डेटा हो वहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, मैं यहाँ तक इसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको मर्जन सेंटर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे मर्जन सेंटर हो गया है। अब यहाँ पे आपको जो भी चीज़ यहाँ पे लिखना है वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिखामाइज एकेडमी स्टूडेंट मार्कशीट डेटाबेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम दे दिया हूँ, और देन उसके बाद नीचे वाले में आते हैं, और नीचे को इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से मर्जन सेंटर करते हैं। यहाँ पे आपको जो भी एड्रेस आपको देना होगा वो एड्रेस आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ, आपको जो यहाँ पे एड्रेस आपको देना होगा वो एड्रेस यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इस टाइप से यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ कुछ, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इसको कस्टमाइज कर लो, यहाँ से इसका साइज बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इसको साइज यहाँ से बढ़ा लेते हैं, इस टाइप से इसको बोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से आप इसके बैकग्राउंड में जो भी कलर आप देना चाहते हो कलर यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है। इसका टेक्स्ट कलर मैं चेंज कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे आते हैं इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस है तो एड्रेस वाले को भी हम यहाँ पे कोई कलर दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, इसका साइज बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा जो है देख सकते हो यहाँ तक हमारा काम हो गया है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं ऐसे सिलेक्ट करके इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, ताकि यहाँ पे बीच में हमारा स्पेस हो, ताकि यहाँ पे बहुत अच्छा से जो भी हमारा डेटा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, सही से। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे आते हैं सीरियल नंबर में, यहाँ से हम एंटर करते हैं 1, 2, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे 1 और 2 को एंटर करेंगे, अब क्या करेंगे इस दोनों को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और कॉर्नर पे आएंगे नीचे, और इसको ऐसे ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट का मैं डेटा बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 10 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टूडेंट का नेम एंटर करना है, ठीक है। तो आपको आपके पास जो भी स्टूडेंट रहेगा, ठीक है, उसका यहाँ पे आपको नेम एंटर कर देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे जो है स्टूडेंट का नेम एंटर कर लेता हूँ,
आप यहाँ पे सीखने आए हो ठीक है, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना ठीक है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना है ठीक है, ताकि आपको इसी तरह का और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलते रहेगा ठीक है। तो इस स्टेप से मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट का नेम एंटर कर लेता हूँ ठीक है। मैं फिलहाल अभी इतना ही नेम यहाँ पे रहने देता हूँ ठीक है, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आप सभी को करके दिखाने वाला हूँ सभी चीज को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ठीक है। तो यहाँ पे मैं फादर नेम है, तो यहाँ पे फादर नेम भी मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मोहन ठाकुर ठीक है। देन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसका दे देते हैं नितेश यादव ठीक है। यहाँ पे मैं 4 स्टूडेंट का ही लिया हूँ, ताकि आपका जो है यहाँ पे ज्यादा समय मैं इंगेज नहीं कर पाऊँ ठीक है। ठीक है यहाँ पे 4 स्टूडेंट का ही देखता हूँ। यहाँ पे क्लास यहाँ पे हम सेट कर देते हैं 10 ठीक है, और यहाँ पे आते हैं मैथ का, यहाँ पे सभी को यहाँ पे नंबर देना है ठीक है। तो मैथ इंग्लिश SST हिंदी साइंस ठीक है, आपको जो भी नंबर यहाँ पे देना है, तो आप यहाँ पे जो भी मार्क्स होगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो ठीक है, या आप चाहो तो एक यहाँ पे फॉर्मूला एंटर कर सकते हो, ताकि आप सभी को मैं सिखाना चाहता हूँ। इस वेस पे मैं एक रैंडम नंबर ले देता हूँ, तो यहाँ पे इक्वल टू रैंड बिटवीन का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ठीक है, रैंड बिटवीन। उसके बाद आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 20 कॉमा ठीक है, 20 से लेकर मैं चाहता हूँ कि 100 नंबर के बीच में जो है डेटा हमारा आना चाहिए ठीक है, रैंडम नंबर आना चाहिए। एंटर जैसे ही प्रेस करोगे ठीक है, यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे ही इसको ड्रैग कर देते हैं ठीक है, ऐसे ड्रैग कर दिए, फिर नीचे आते हैं यहाँ तक कर देते हैं ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर आ गया है मार्क्स, मैं यहाँ पे सेट कर दिया हूँ ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके इसको मैं बॉर्डर कर दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको सही से दिखे यहाँ पे सभी चीजें ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ ठीक है, इसका हेडिंग जो है इसका हेडिंग को मैं बोल्ड कर देता हूँ, ताकि आप सभी को यहाँ पे सही से दिखेगा ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, और इसका जो कलर है वो कलर मैं यहाँ से थोड़ा सा सेट कर देता हूँ ठीक है। ओके चलो, यहाँ पे सब्जेक्ट का नेम देने के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स आ गया, तो टोटल मार्क्स आपको अब यहाँ पे निकालना है, ऑब्टेन मार्क्स निकालना है, परसेंटेज देखना है ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है यहाँ पे 500 का जो हमारा पेपर है वो 500 का पेपर रहेगा ठीक है। अब सभी 500 का रहेगा, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर देंगे ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऑब्टेन मार्क है ठीक है, तो ऑब्टेन मार्क निकालने के लिए क्या होता है, ऑब्टेन मार्क यानी कि टोटल मार्क्स, यानी कि इस स्टूडेंट जो है ये स्टूडेंट का कितना नंबर आया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सम ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ से लेके आपको साइंस तक पांच सब्जेक्ट जो है एक स्टूडेंट का आपको सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस करना है, इसका जो नंबर है यहाँ पे नंबर आ जाएगा ठीक है। आप क्या करना है, आपको सिंपल सा ऐसे इस तरह से ड्रैग कर देना है, सभी का जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा निकल कर ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे परसेंटेज है ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, यहाँ पे फॉर्मूला को ध्यान से देखना ठीक है। हम करेंगे क्या, इक्वल टू ठीक है, और ऑप्टेन मार्क ये देख सकते हो यहाँ पे, ऑप्टेन मार्क जो 404 है ठीक है, यहाँ इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसको डिवाइड करेंगे ठीक है। इसको डिवाइडेड का यहाँ पे सिंबल देंगे ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, टोटल मार्क्स ठीक है, टोटल मार्क्स है, इसको हम करेंगे एंटर। तो देख सकते हो इसका परसेंटेज जो है यहाँ पे निकल के आ गया है ठीक है। अब सेम इसको हम इस तरह से ड्रैग कर देंगे, तो हमारा जो यहाँ पे परसेंटेज है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देन यहाँ पे हमको एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे एवरेज का ही फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगा दिए। अब क्या आपको क्या करना है, सभी मार्क्स को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ से ठीक है साइंस तक जो भी मार्क्स है ठीक है यहाँ पे देख सकते हो, इसको सिलेक्ट करना है। मैं थोड़ा इस साइड में कर देता हूँ ठीक है। आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज और करना है एंटर। देख सकते हो इसका एवरेज भी निकल के आ गया। अब क्या करना है, सिंपल सा इसको ड्रैग कर देना है, ताकि सभी का निकल के आ गया। अब देखो यहाँ पे बार बार नंबर चेंज हो रहा है, नंबर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि मैं हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट में रैंडम नंबर लिए हैं ठीक है। इसी वजह से क्या हो रहा है, नंबर जो है बार बार यहाँ पे चेंज हो जा रहा है ठीक है।
देन यहाँ पे आते हैं ग्रेड निकालने के, यहाँ पे ग्रेड निकालना है ठीक है। तो ग्रेड को यहाँ पे ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे कंडीशन यूज करने वाले हैं। यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, कंडीशन लगाएंगे इफ ठीक है। यहाँ पे करेंगे टैब को प्रेस करेंगे या ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। एवरेज को सिलेक्ट किए देख सकते हो, यहाँ पे ध्यान से देखना एवरेज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ अगर एवरेज जो है 90% से ऊपर हो ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देते हैं हम लोग कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस ठीक है, ग्रेड ए प्लस आना चाहिए ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे कॉमा देते हैं और फिर से यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं इफ ठीक है, ब्रैकेट ओपन, फिर से हम एवरेज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ठीक है। उसके बाद फिर से देंगे यहाँ पे ग्रेटर देन, अब यहाँ पे ग्रेटर देन के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं 80 ठीक है, यानी कि अब 80 हो कॉमा, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए ठीक है, यानी कि ए आना चाहिए, कॉमा देते हैं ठीक है। यहाँ पे दूसरा कंडीशन में लगा रहे हैं अगर जो है 80% से ऊपर हो तो ए ग्रेड आना चाहिए ठीक है। फिर से यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ, ब्रैकेट ओपन ठीक है। फिर से हम क्या करते हैं एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। एवरेज को सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको क्या करना है ग्रेटर देन ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 70 यहाँ पे देने के बाद आपको क्या करना है कॉमा देना है, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है बी ठीक है, मैं यहाँ पे बी ग्रेड सेट कर रहा हूँ, बी ग्रेड यानी कि 70 से ज्यादा हो तो बी ग्रेड आना चाहिए। फिर से यहाँ पे कॉमा, फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं इफ फॉर्मूला को यहाँ पे फिर से इफ कंडीशन को लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन, देन फिर से क्या करना है आपको एवरेज को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे फिर से क्या करना है ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे करना है आपको 60 ठीक है। यहाँ पे 60 करने के बाद कॉमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, हम बोल रहे हैं कि अगर 60 से प्लस हो तो यहाँ पे सी आना चाहिए ठीक है, कॉमा, अदरवाइज यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक डी ग्रेड आ जाना चाहिए ठीक है। उसके बाद इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है फोर, यहाँ पे देखो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, हम लोग ब्रैकेट कितना ओपन किए 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 ठीक है, हमको 4 टाइम जो है ब्रैकेट क्लोज भी करना है 1 2 3 4 ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको एंटर, देखो यहाँ पे जो है डी ग्रेड आ गया है ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम ड्रैग कर देंगे, यहाँ पे ग्रेड सभी का निकल के आ गया है सी सी सी, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या किए हैं रैंडम बिटवीन का यूज करके रैंडम नंबर लिए, इसी वजह से बार बार आप क्लिक करोगे तो बार बार ये चेंज होते रहता है ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट देखने के लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या इक्वल टू, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ, ब्रैकेट ओपन ठीक है। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाएंगे मिनिमम, फिर से ब्रैकेट ओपन। अब देखो यहाँ पे मिनिमम फॉर्मूला लगा रहे हैं ठीक है, इफ मिनिमम, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ठीक है। तो यहाँ आते हैं मैथ इंग्लिश साइंस, साइंस तक ठीक है, सभी सब्जेक्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। अब इस साइड में आते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है ब्रैकेट क्लोज करना है, देन आपको यहाँ पे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन यहाँ पे आपको करना है इक्वल टू 35 कॉमा ठीक है, डबल इंपोर्टेड कॉमा, यहाँ पे आपको लिखना है पास, डबल इंपोर्टेड कॉमा बंद, उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फेल ठीक है। उसके बाद इसको भी डबल इंपोर्टेड कॉमा में बंद करेंगे ठीक है, सॉरी ये फेल जो लिखा हुआ है इसको भी हम डबल इंपोर्टेड कॉमा में ही रखेंगे, इससे पहले भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे ठीक है, जो हमारा छूट गया था यहाँ पे ठीक है। अब उसको क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे इसका कंडीशन लगा रहे हैं रिजल्ट में, अगर मिनिमम ठीक है जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट को 35 से ऊपर हो तो पास, अदरवाइज यहाँ पे फेल आना चाहिए। मैं जैसे इंटर करता हूँ देखो यहाँ पे 35 से जरूर, यहाँ पे देखो यहाँ पे इंग्लिश में नंबर जो है 23 था ठीक है, इस वजह से यहाँ पे फेल हो गया था। अब देखो यहाँ पे पास हो रहा है ठीक है, यहाँ पे रैंडम हम रैंडम नंबर को चेंज करके भी आप सभी को बता देंगे, डोंट वरी ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली हम लोगों को निकालना है रैंक ठीक है, रैंक कैसे निकलेगा हम लोग करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं रैंक फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट एवरेज, एवरेज को सिलेक्ट करेंगे ठीक है, देन यहाँ पे करेंगे कॉमा, फिर से सभी एवरेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक हमारा डेटा है ठीक है। सभी एवरेज को हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे अभी हम 4 स्टूडेंट का ही आप सभी को बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि 4 स्टूडेंट में से जो है रैंक किसका ज़्यादा है किसका कम है ठीक है। तो सभी को सिलेक्ट करेंगे, फिर से देंगे कॉमा और जीरो को प्रेस करेंगे ठीक है, जीरो देंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे रैंक बता दिया। जैसे इसको हम ड्रैग के यहाँ पे करेंगे ठीक है, यहाँ पे रैंक यहाँ पे आ गया है ठीक है।
तो इस टाइप से आप यहाँ पे जो है डेटा को मार्कशीट आप अपना बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर बार बार चेंज होने का कारण क्या था कि यहाँ से यहाँ तक हम डेटा जो है रैंडम दिए हुए थे। ठीक है, अगर यहाँ पे मैनुअली जाके यहाँ पे एंटर करें डिलीट करके, ठीक है मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा सा और समय दे देता हूँ। यहाँ पे मैथ में भी लगा रह गया फॉर्मूला, ठीक है इसको भी हम डिलीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, ठीक है ताकि आप सभी को यहाँ पे समझ में आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम नंबर दे दिया था, सिर्फ बार बार आपको यहाँ पे चेंज हो रहा था, परेशानी हो रहा था। ठीक है, तो चलो ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। देन SST में आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेट करता हूँ। ओके, यहाँ आते हैं और 45 और ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे एंटर करना है वो एंटर यहाँ पर हम कर दे रहे हैं। साइंस में करना है, देखो अब जैसे यहाँ पे हम एंटर किए हैं, अब इस साइड में हम थोड़ा सा आएंगे तो देखो यहाँ पे डेटा जो चेंज नहीं हो गया, यहाँ पे तीन जो है तीन रिजल्ट यहाँ पे फेल बता रहा है। ठीक है, रैंक यहाँ पे फर्स्ट रैंक यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है, यहाँ पे थ्री रैंक आ रहा है, यहाँ पे फेल इसलिए बता रहा है। देखो यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट में यहाँ पे नंबर देखेंगे, ठीक है 35 से ऊपर है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है 25 है। अगर इसको हम क्या करते हैं 35 से या 36 हम कर देते हैं एंटर करते हैं तो देखना है यहाँ पे पास हो जाएगा। देखो यहाँ पे पास आ गया, हो गया। ठीक है, तो इस स्टेप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है किसी भी तरह का मार्कशीट आपको तैयार करना हो, ठीक है रैंक वगैरह निकालना हो, तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको हम इसको ऐसा सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, आप इसको सेंटर में कर देते हैं, ठीक है ताकि बढ़िया से दिखे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो जब तक चलते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।